What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 17 जून 2020 वेनसडे है, सुबह के 8:20 हो रहे हैं। तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कल एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल न्यूज आ गई थी, उसके कारण मार्केट में रिएक्शन उसका देखने को मिला था। तो आज निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 16 जून आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर ले हुआ आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल का जो प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 9942, और उसके ऊपर जो फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट हमने आइडेंटिफाई किया था उसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स यहाँ पर ओपन हुआ, और एग्जैक्ट जो सेकेंड टारगेट का लेवल था इसी के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया। तो काफी एक्यूरेट लेवल साबित हुआ, लेकिन ट्रेडिंग का यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था क्योंकि ब्रेकआउट लेवल के काफी ऊपर सेकेंड टारगेट के पास ये डायरेक्ट ओपन हुआ और एग्जैक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर इसने टेस्ट किया, और इतना गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर से प्रॉफिट बुकिंग फिर से एक बार दिखाई दी। और जैसे ही यहाँ पर करीब 1 बजे के आसपास ये जियोपॉलिटिकल न्यूज, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर पर काफी टेंशन्स बढ़ गई है, इंडिया के और चाइना के भी काफी सोल्जर्स मारे गए हैं, तो यहाँ पर ये जो मूव था, ये रिएक्शन था, ये काफी वियर्ड रिएक्शन था। एकदम से 90 डिग्री यहाँ पर एक फॉल आ गया और नीचे ब्रेकडाउन लेवल तक यहाँ पर इसने ये फॉल यहाँ पर एक्सटेंड हुआ, और फिर से जैसे पता चला ये एक वॉर नहीं था, सिर्फ जो बॉर्डर पे तनाव था उसके कारण वहाँ पर जो हिंसा हुई और इसके बीच में दोनों देशों के कुछ जवान मारे गए, तो इसके बाद थोड़ा सा मार्केट रिकवर किया, लेकिन जो सिचुएशन है वो काफ़ी पैनिक है। ये कन्वर्ट भी हो सकता है वॉर में अगर बातचीत ठीक से ना हो तो यहाँ पर कल कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी जो हमारा प्री मार्केट प्लान था उसके अकॉर्डिंग। तो ये था कल के एनालिसिस का रिव्यू। चलते ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल यूएस मार्केट में भी फिर से एक बार रिकवरी जबरदस्त देखने को मिली, वहाँ पर इकोनॉमी फिर से रिस्टार्ट होने के संकेत कुछ मिल रहे हैं। तो यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो जबरदस्त हरे निशान में कल बंद हुए थे, लेकिन एशियाई बाजार आज देखे तो फिर से यहाँ पर एक कमजोरी देखने को मिल रही है, जो दो बड़े देशों में तनाव की स्थिति यहाँ पर जनरेट हो चुकी है, तो उसके कारण यहाँ पर एशियाई बाजारों में जबरदस्त कमजोरी इस समय दिखाई दे रहे हैं। लगभग सभी बाजार लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर को देखें तो 173 पॉइंट की इस समय गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल अभी एशियाई बाजार ग्लोबल मार्केट्स भी कमजोरी के संकेत इस समय दे रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। वीकली चार्ट में जैसे कि हमने यहाँ पर एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बन सकता है, ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन हालांकि अभी तक इसने प्रीवियस वीक के कैंडल का ये जो लो है ये अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया, लेकिन अभी ये 20 EMA के नीचे फिर से एक बार ट्रेड करने लगा है। जो कि स्ट्रक्चर देखे ये डाउन ट्रेंड का बन रहा है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म ये तीनों मूविंग एवरेजेस डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, और इसके नीचे निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। अगर ये सिनेरियो देखे कुछ महीनों पहले का तो यहाँ पर हैंगिंग मैन कैंडल जैसा पैटर्न बना था, उसके बाद कन्फर्मेशन का ये बियरिश कैंडलस्टिक बना था, और इसके बाद ये जबरदस्त यहाँ से एक फॉल हमें देखने को मिला था। तो ये पैटर्न, ये प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर ऐसा बन सकता है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता। ये वीकली चार्ट है, अभी ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखा रहा है। चलते 60 मिनट डेली चार्ट में। डेली चार्ट में अगर आप देखें तो जैसे कि कल भी हमने आइडेंटिफाई किया था, ये ऊपर जाते वक्त ये अगर ये जो बुलिश कैंडलस्टिक है इसका हाई अगर ब्रेक करता है तो ऊपर 100 EMA का ये ग्रे लाइन जो है ये रेजिस्टेंस हर्डल का काम कर सकता है। एग्जैक्ट इसी लेवल के पास ये पेनेट्रेट हो रहा था काफ़ी देर, जब ओपन हुआ इसके ऊपर जा नहीं पाया और रेजिस्टेंस लेके फिर से एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ आते वक्त इसने 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है सेकेंड नेक्स्ट डे भी इसने कल यहाँ पर एक सपोर्ट टेस्ट किया और बाउंस बैक होने की कोशिश की।
अभी ये मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है। मूविंग एवरेजेस भी मिक्सअप है, ना ही असेंडिंग ऑर्डर्स में है ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, तो हो सकता है यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिले। इस रेंज के बीच में निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो। अभी अगर ध्यान से देखें तो अभी तक इसने ये बुलिश कैंडलस्टिक का हाई या फिर लो ब्रेक नहीं किया, इन ये जो हाई है इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया और इस लो के नीचे क्लोज नहीं दिया, तो इनसाइड बार ये ट्रेडिंग अभी तक यहाँ पर चल रहा है ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये ट्रैप हो चुका है अभी मूविंग एवरेजेस में। इन रेजिस्टेंस और इन सपोर्ट को इसको क्लियरली ब्रेक करना होगा तो ही हमें आगे की ट्रेंड यहाँ पर कंफर्मेशन मिल सकता है। चलते 60 मिनट के चार्ट में इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। और एक बात है, अगर हम यहाँ पर ये जो फॉल आया है अभी, तो इसका अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो एग्जैक्ट 50% का ये जो लेवल था, यानी ये जो लो और ये हाई है इसका 50% का लेवल इसने अचीव करके बाउंस बैक दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन अभी तक 61.8% मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि 50 या फिर 61.8% के लेवल के यहाँ से बाउंस बैक हो, तो अभी 50% के यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ है। तो अगर ये लेवल अगर ब्रेक करता है निफ्टी इंडेक्स, ये जो स्विंग लो बना है यहाँ से बाउंस बैक, ये अगर ब्रेक करता है टूवर्ड साउथ की तरफ, तो यहाँ से और फॉल हमें निफ्टी इंडेक्स में दिखाई दे सकता है। निफ्टी इंडेक्स को चाहिए कि ये 100 EM के ऊपर सस्टेन करे और ये जो स्विंग हाई ये जो बनाया है इसको भी कंफर्टेबली ब्रेक करे, तो ही यहाँ से अप ट्रेंड में ये कन्वर्ट हो सकता है ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये डेली और वीकली चार्ट का एनालिसिस था। चलते 60 मिनट के चार्ट में निफ्टी इंडेक्स अगर आर्ली चार्ट में भी देखें तो ये जो वियर्ड कैंडल यहाँ पर बना है, जो कि जियोपॉलिटिकल न्यूज आने के बाद ये रिएक्शन देखने को मिला था, तो इसके हाई और लो के बीच में नेक्स्ट 2 hours ये यहाँ पर ट्रेड हुआ है। तो इसका ये जो हाई है यानी 9942, ये आज हमारा हो सकता है ब्रेकआउट लेवल फिर से एक बार, और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही हम इंट्राडे के लिए यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9978, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा जहाँ पर इसने कल रेजिस्टेंस फेस किया था ओपन होने के बाद, यानी 10013, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर ये टूवर्ड साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो जैसे कि हम देख रहे हैं एशियाई बाजार काफ़ी कमज़ोर है, तो ये जो लेवल है 100 EM फिर पिवट पॉइंट का लेवल, ये सपोर्ट के लेवल से इनको क्लियरली ब्रेक होने दे, फिर लास्ट जो ये यहाँ पर स्विंग लो बन के बाउंस बैक दिखाया है इस लेवल को अगर 9810 को अगर ये ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर कंफर्टेबली शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, एक क्विकली छोटा सा टारगेट होगा 9783, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का S1 का लेवल जो कि 9746 के पास है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। ये वीडियो एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोदा है, अपस्टॉक्स है, 5paisa है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।